हरी ओम फ्रेंड्स, आज हम अपने लड्डू गोपाल जी की कैप बनाएंगे। तो देखिए, हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस तरह की सिंपल बेसिक सिलाई चलाना बताया है, इस तरह की पोशाक बनाई है। तो इस पोशाक को हमने यहाँ सर सील लिया है। तो अगर आप भी अपनी पोशाक को सिलें तो देखिए, जो ये हमारी पर्पल कलर की लाइन है एक दूसरे के साथ बिल्कुल मिलती हुई आए, तो इससे हमारी ड्रेस ब्यूटीफुल दिखेगी। तो आज हम इसकी कैप बनाना शुरू करते हैं। तो कैप शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए, मैंने ये 14 फंदे डाल लिए हैं। देखिए, 14 फंदे डालने के बाद, देखिए कैप बनाने के लिए मैं 14 फंदे डाले हैं। अगर आपकी वूल पतली हो तो आप 2 फंदे एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, अगर वूल थोड़ी मोटी हो तो कम डाल सकते हैं। तो देखिए, मेरी ये वूल नॉर्मल है, ना ही मोटी है और ना ही पतली है। तो आप अपनी वूल के अकॉर्डिंग अपना 1-2 फंदे घटा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट रो को हम इसी तरह से सिंपल सीधा बुनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसी तरह से अब हम अपनी ये फर्स्ट रो इसी तरह से बनाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली है। अब हम सेकंड रो को भी बिल्कुल सीधा ही बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। तो हमें ये पहली 2 रो को बिल्कुल सीधे सिलाई चलाकर बनाना है, इस तरह से। तो मैं अपनी ये रो भी कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी 2 रो को कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपना नेक्स्ट पर्पल कलर लगाएंगे। तो देखिए, पर्पल कलर लगाने के लिए हमने पर्पल पर एक नोट पहले से बना लिया है। अब ये देखिए, इस नोट को इस हुक में डालें और धागे को खींच लें। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, तो इस नोट को हमने, ये देखिए, इस तरह से पहले वाले फंदे में से निकाल लेना है। ये देखिए, नीचे वाले धागे को थोड़ा सा खींच ले। ये देखिए, इस तरह से। ये देखिए, ये हमने नोट लगी हुई है हमारी। और ये देखिए, हमने पहला फंदा बना लिया है। अब इसी तरह से अब हम सीधा सीधा अपनी 2 सिलाइयाँ पर्पल कलर की बनाएंगे, इसी तरह से। देखिए, सीधी तरह से भी सीधा और उल्टी तरह से भी सीधा। तो इस तरह से मैं अपनी ये 2 रो को कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी पर्पल कलर की 2 रो को बिल्कुल सीधा सीधा बना लिया है। तो अब हम येलो कलर लगाएंगे। देखिए, इस तरह से। देखिए, इस तरह से हम अपनी ये रो भी कंप्लीट करेंगे, सीधा सीधा बनाते जाएंगे इसको। ये देखिए, इस तरह से। तो मैं इस तरह से अपनी ये रो बनाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली रो हमने बिल्कुल सीधी बना ली है। अब हमें सीधा नहीं बनाना, उल्टा बनाना है। तो देखिए, उल्टा बनाने के लिए हमने सिलाई को अपनी ओर फंदे में डाला है और इस तरह से अब हम अपनी ये पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे। इस तरह से मैं अपनी सिलाई उल्टी बुनती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 4 रो को इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हर रो को देखिए, अब हम 2 फंदों को एक बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से कि 2 फंदे लिए हमने, इसको हम एक बना देंगे। फिर हम 2 फंदे लेंगे, ये देखिए, इस तरह से, और इसको इस तरह से बुन देंगे। फिर हम नेक्स्ट वाले 2 फंदे लेंगे, उनको एक करेंगे और इस तरह से बुन देंगे। फिर हमने नेक्स्ट 2 फंदे लेंगे, उनको इस तरह से बुन देंगे। तो इसी तरह से हम अपनी पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, 2-2 फंदे बुनते हुए हमने अपनी रो को कंप्लीट कर लिया है। तो अब जो हमारी उल्टी रो आएगी, उसको हम बिल्कुल उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम अपने उल्टे फंदे बनाएंगे।
तो मैं ये वाली को रो कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने उल्टी रो को कंप्लीट कर कर इतना सा धागा एक्स्ट्रा छोड़कर कट कर लिया है। तो आप भी इस तरह से धागे को छोड़कर कट करें और उसमें नीडल डाल लें, जो स्वेटर सिलने वाली हमारी नीडल होती है। तो इस तरह से अब हम इन फंदों को निकाल देंगे। देखिए इन फंदों को निकालने के बाद, ये देखिए इन फंदों को हम सुई में डालेंगे इस तरह से। सुई में डालने के बाद ये देखिए हमने फंदों को सुई में डाल लिया है और इस धागे को हम इस तरह से खींच लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से खींचने के बाद अब हम इस कैप को उल्टा कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से हमने खींचा और ये देखिए ये हमारी फर्स्ट फंदे की नोक है, उसमें हम इसको इस तरह से खींच लेंगे। तो देखिए अब हम इन सभी फंदों को सील देंगे। ये देखिए जो हमारे ये एक्स्ट्रा धागे हैं उनको पीछे करें और सिलाई में उनको भी अच्छे से इस तरह से सिलते जाएं। देखिए इस तरह से हम इसको सिलेंगे और ये देखिए इसको इस तरह से इसमें डाल लें। और देखिए यहाँ से नीचे से हमने यह धागा निकाला और इधर आए। तो देखिए अब हम इसको इस तरह से कर इस धागे को यहाँ से कर और ये देखिए इस तरह से यहाँ पर डालेंगे इस तरह से। तो अब हम जो पर्पल कलर की लाइन है तो उसे इस तरह से सिलें कि पर्पल कलर की लाइन एक दूसरे के साथ टच करती हुई आए। तो देखिए इस तरह से अब हम ये देखिए ये जो हमारी पर्पल कलर की लाइन है इसको यहाँ से और यहाँ से, ये देखिए इधर से ये धागे के नीचे से यहाँ से इस तरह करते हुए सिलते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब जब हम लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको दो तीन बार अच्छे से पक्का कर लेंगे। ये ऊपर वाले धागे को ऊपर की ओर कर लें और फिर बाद में इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर एक नोट बना लेंगे। देखिए दोबारा से करते हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ आकर इस तरह से नोट बनाते जाएंगे ताकि हमारा धागा खुले ना। तो इस तरह से मैं, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको सील लिया है। अब यहाँ से ये एक्स्ट्रा धागों को कट कर देंगे। तो देखिए अब हम इसको सीधा करते हैं। तो ये देखिए ये हमारी एक छोटी सी कैप बन कर रेडी है। देखिए हमारे छोटे से लड्डू गोपाल का सर इस अंगूठे जितना ही होता है। तो इस तरह से बनाकर अब हमारी कैप तैयार है। अगर आप इसमें एक पॉम्पम बनाना लगाना चाहते हैं तो वो हम आपको बताते हैं किस तरह से बनाएंगे। तो इस कैप में हम पर्पल कलर का पॉम्पम बनाएंगे। तो पॉम्पम बनाने के लिए हमें इस तरह से एक फोग लेना होगा। देखिए फोग लीजिए और ये देखिए धागे को इस तरह से रखिए और ये देखिए इसको आप 10-15 बार जितनी बार भी हो, जितना अगर आप बड़ा चाहते हैं तो इस तरह से इसको लपेटते जाइए। देखिए हमने ये करीब 10-15 बार लपेट लिया है और इस धागे को यहाँ से कट कर दें और इसको अच्छे से पकड़ लें। ये देखिए और अब हमें लेनी होगी नीडल। देखिए इसमें हमने भी येलो कलर लगाया हुआ है तो, लेकिन हमें पर्पल कलर भी लगा सकते हैं और येलो कलर लगाया है। तो देखिए इस तरह से क्रॉस कर कर येलो कलर को पकड़ लें और ये देखिए जो हमारा फोग का मिडल है, देखिए ये फोग का मिडल है जो, उसके अंदर से इस तरह से धागे को लेकर ये देखिए एक बार दोबारा से नीचे से क्रॉस करें इस तरह से और इसको अच्छे से खींच कर टाइट कर लें। ये देखिए इस तरह से एक बार और करें इसी तरह से ताकि हमारा अच्छे से टाइट हो जाए। और अब हमें इस धागे को, देखिए इस धागे को और इस धागे को अच्छे से बांध लेना है। तो मैं इसको अच्छे से बांधती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने धागे को बांध लिया है और इसको अब छोटा छोटा
थोड़ा सा रहने तक हम इसको अब कट कर देंगे। देखिए इस तरह से, देखिए अब हमने येलो कलर के धागे को कट कर लिया है, और देखिए इस धागे को भी यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे, और इस धागे को भी यहाँ से इस तरह से कट कर देंगे। देखिए अब हम इसको इस तरह से धीरे धीरे निकाल लेंगे, और इसको यहाँ से बीच में से टाइट होकर टाइट से पकड़ लेंगे। और देखिए कैंची ले जो आगे से थोड़ी सी बारीक हो, तो उसको हम देखिए ये सेंटर में डालेंगे, और इस तरह से ये देखिए कट कर लिया हमने। और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से करेंगे, सेंटर से हमने कैंची को अंदर डाला, और ये देखिए इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से कट होने के बाद अब हमें ये देखिए इस तरह से कर लेना है, इस तरह से पकड़कर, देखिए इस तरह से कर ले आप। तो इसके बाद आप जो हमारे एक्स्ट्रा धागे लग रहे हैं उनको कट कर लीजिए। देखिए इस तरह से सफाई से कट कर लीजिए। अब हमें फिर नीडल में धागा डालना है। देखिए मैं नीडल में धागा डालती हूँ। देखिए फ्रेंड्स पॉम्पम बनाने के बाद हमने नीडल में देखिए इस तरह से धागा डाल लिया, ये हमने धागा डबल कर कर डाला है देखिए, और नीचे से नोट बनाई है। और अपनी कैप को फिंगर में लेंगे, और ये देखिए जो हमारा मिडल है उसमें हम देखिए नीडल को इस तरह से डालेंगे, और इस जो हमने ये नोट बनाई है उसके यहाँ से इस तरह से निकाल देंगे। देखिए निकालने के बाद अब हम पॉम्पम को ये देखिए जो मैंने बीच में येलो कलर बांधा है उसके सेंटर में से ये देखिए इस तरह से, इस तरह से हम डालेंगे। ठीक है अब इसके बाद हमें कैसे सिलना है इसको देखिए, जब हम नीडल डालेंगे ये देखिए यहाँ से ये हमारा येलो कलर दिख रहा होगा आपको, अब हमें इस तरह से ये देखिए येलो कलर के इस तरफ से इसको हम अब सिलेंगे। ये देखिए नीचे से धागा निकालेंगे, और इसको अच्छे से इस तरह से दो तीन बार अब हम इस येलो धागे को इसमें से अच्छी तरह से सील देंगे। तो मैं इस तरह से सिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अब हमने एक दो बार सील लिया है, अब हमें दो बार सिलने के बाद एक धागे को कट कर देना है, और थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा। और इसी तरह से इस हम पीले धागे को पक्का करते हुए ये देखिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ से जाएंगे हम सेंटर से बिल्कुल, ये देखिए सेंटर से नीचे जाते हुए इस तरह से पक्का कर लेंगे। और देखिए बैक में जाकर इस टोपी को उल्टा करेंगे, और पीछे से जाकर हम इसे नोट बना देंगे, और इस तरह से ये हमारी कैप बन जाएगी। तो आपको मेरी ये कैप पसंद आई हो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।